मुंबई पुलिस ने दर्ज किया प्रीति जिंटा का बयान। बयान दर्ज कराने वानखेड़े स्टेडियम पहुंची थी प्रीति। करीब डेढ़ घंटे तक वानखेड़े में रही प्रीति जिंटा, निस के खिलाफ दर्ज कराया अपना बयान। सूत्रों के मुताबिक मौकाए वारदात पर ले जाकर भी पुलिस ने प्रीति जिंटा से की पूछताछ। अपना बयान दर्ज कराने के बाद प्रीति सीधे अपने घर के लिए हुई रवाना, मीडिया से नहीं की बात। प्रीति ने अपने पुराने दोस्त नेस वाडिया पर लगाया है बदसलूकी का आरोप। क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। मोदी सरकार का पहला यू टर्न, नहीं बढ़ेगा मुंबई में लोकल ट्रेनों का किराया। 80 किलोमीटर तक सेकेंड क्लास में किराए में फेरबदल नहीं, रेलवे ने किया ऐलान। बीजेपी और शिवसेना के सांसदों ने रेल मंत्री से की थी मुलाकात, किराया नहीं बढ़ाने की अपील की थी। देश के बाकी हिस्सों में आज से रेल मुसाफिरों पर मुसीबत, बढ़ा हुआ किराया आज से होगा लागू। आज से रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी, माल भाड़े में भी 6.5% की बढ़ोतरी। मुंबई वालों को राहत, अब सिर्फ 14.2% ही बढ़ेगी मासिक पास की दर, दोगुने से ज्यादा हुई थी बढ़ोतरी। कैंपाकोला सोसाइटी में आज भी काटे गए बिजली पानी और गैस कनेक्शन, लेकिन लोगों ने नहीं सौंपी बीएमसी को फ्लैट की चाबी। मुंबई मेट्रो के किराए को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज, केंद्र सरकार को कोर्ट के निर्देश, जल्द तय किया जाए किराया। फेयर फिक्सेशन कमेटी तय करेगी नया किराया, तब तक 10, 20, 30 और 40 रुपए होगा घाटकों पर वर्सोवा लाइन का किराया। मेट्रो रेल का किराया 9 से 13 रुपए रखना चाहती है राज्य सरकार, जबकि 10 से 40 रुपए किराया चाहती है रिलायंस कंपनी। सलमान हिट एंड रन केस में एक गवाह पलटा, कोर्ट में कहा मैंने नहीं कहा था कि सीट से उतरकर एक्सीडेंट की जगह से भागा था ड्राइवर। महंगाई की नई किश्त, 2 रुपए महंगी हुई चीनी, रसोई गैस सिलेंडर 5 रुपए और केरोसिन 1 रुपए महंगा होने के संकेत। 5 दिन बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के झटके से संभला सेंसेक्स, आज 337 अंक की उछाल दर्ज। 1.35% बढ़त के साथ 25,368 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 86 अंक उछलकर 7,580 पर पहुंचा निफ्टी। 2 दिनों तक लगातार गिरावट के बाद संभला रुपया, 7 पैसे चढ़कर 60 रुपए 13 पैसे पर बंद। साई पर शंकराचार्य के विवादित बोल का विरोध, शिरडी से लेकर वाराणसी तक प्रदर्शन, साई के शहर में स्वरूपानंद पर केस। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने दिया है एक और विवादित बयान, कहा अगर साई के भक्त चाहें तो पूछते रहे उन्हें, लेकिन भगवान राम का नाम ना लें। शंकराचार्य स्वरूपानंद का बयान, साई भक्त गंगा स्नान ना करें ना ही हर हर महादेव का जाप करें। उनको हम आजादी देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। स्वामी स्वरूपानंद ने सोमवार को दिया था विवादित बयान, कहा था शिरडी के साईं की पूजा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। आधे घंटे बाद यानी ठीक 12 बजे जब देश भर में लोग ट्रेन से सफर करेंगे तो उन्हें बढ़े हुए किराए देने होंगे, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए राहत की खबर है। मोदी सरकार ने अपने पहले फैसले पर यू टर्न लेते हुए लोकल से मंथली पास लेकर सफर करने वाले लोगों को राहत दे दी है।
ये राहत रेल मंत्री से बीजेपी शिवसेना के सांसदों के मुलाकात के बाद मिली। बढ़े हुए रेल किरायों से घबराए मुंबई और ठाणे के बीजेपी शिवसेना सांसदों का रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से दिल्ली में मिलना रंग लाया। सुबह की मुलाकात के बाद शाम को ऐलान हो गया कि लोकल का किराया बढ़ेगा मगर सिर्फ 14.2% ही, जैसा कि पूरे देश में लागू हुआ है। दरअसल मुंबईकरों के लिए लोकल के मंथली पास पर कीमतें दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है। पुराने ऐलान के बाद चर्च गेट से दादर तक का सेकंड क्लास का पास 115 रुपए की जगह 330 रुपए होने वाला था, लेकिन 14.2% वृद्धि के बाद ये होगा 131 रुपए। चर्च गेट से अंधेरी तक का सेकंड क्लास का पास 190 रुपए की जगह 480 हो जाता, जो अब सिर्फ 216 रुपए ही होगा। अंधेरी से चर्च गेट तक का फर्स्ट क्लास का पास 580 रुपए के बजाय सीधे 1310 रुपए का होकर जनता की जेब पर बोझ डालने वाला था, जिसके लिए नए ऐलान के बाद अब मुंबईकरों को देने होंगे 662 रुपए। कल्याण से सीएसटी का फर्स्ट क्लास का पास 965 रुपए से बढ़कर 1102 रुपए ही होगा, जो पहले 1960 रुपए होने जा रहा था। कम किया तो और भी अच्छी बात है, मेरे ख्याल से और भी करना चाहिए उनको। ये फैसिलिटी अभी बढ़ाए हैं तो फैसिलिटी दो। प्राइस कम किया है तो अच्छी बात है, लेकिन प्राइस बढ़ाया है तो उसका भी गवर्नमेंट ने कुछ सोच के बढ़ाया होगा। हाँ, ये भी था कि थोड़ा सडनली डबल हाइक हुआ था तो पब्लिक के दिमाग में एक रोष था, लेकिन अभी थोड़ा उन्होंने इसमें डिस्काउंट कर दिया, समझ लो हम ऐसे कहेंगे, थोड़ा कम कर दिया तो अच्छी बात है। आ गए भाई, आ गए, पूरे दिन आ गए। मुंबई लोकल के लिए मासिक पास की दरों में हुई बढ़ोतरी को कांग्रेस और एनसीपी ने भी मुद्दा बना लिया था और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। खुद बीजेपी सांसदों से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद भगवा गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता पर भी काबिज होने के लिए छटपटा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़े हुए रेल किराए उन्हें अपने मंसूबों पर पानी फेरते दिखाई दे रहे थे। जनता के साथ अब एनडीए सांसद भी चैन की सांस ले सकते हैं। दिल्ली से ब्रजेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। प्रीति जिंटा नेसवाडिया मामले में आज पुलिस ने प्रीति का बयान दर्ज कर लिया। घंटों चली इस कवायद में प्रीति ने मीडिया से कोई बात नहीं की। प्रीति सीधे वानखेड़े स्टेडियम पहुंची और इसके बाद वहीं पर पुलिस को बयान दिया। एफआईआर दर्ज करने के 13 दिन बाद आखिरकार प्रीति जिंटा ने पुलिस को अपना बयान दर्ज करा ही दिया। अमेरिका से आने के 2 दिन बाद मंगलवार को प्रीति जिंटा शाम 6:45 अपने पाली हिल स्थित आवास से निकली। बीसीसीआई के दफ्तर पर प्रीति 6:40 के आसपास पहुंची और 7:15 के आसपास मुंबई पुलिस ने प्रीति का बयान लेना शुरू किया। इसके बाद करीब 9:15 प्रीति जिंटा को पुलिस बीसीसीआई के दफ्तर से सटे वानखेड़े स्टेडियम में पंचनामे के लिए ले गई, जहां उन्होंने उस दिन की पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से पुलिस को बताया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रीति ने पुलिस को बताया कि उनके पास 30 मई को मैच देखने के लिए 35 एसी सीट और 50 जनरल सीटें थीं। फिर प्रीति ने पुलिस को बताया कि नैस ने कैसे उनके साथ झगड़ा शुरू किया। प्रीति ने नैस पर झगड़े में अपना हाथ मरोड़ने का आरोप भी लगाया है। सूत्रों के मुताबिक प्रीति ने पुलिस से कहा कि वो इसकी पुष्टि के लिए दानिश मर्चेंट से भी बात कर सकती है। पुलिस अब प्रीति के बयान को इस मामले में लिए जा चुके दूसरे गवाहों के बयान से मैच करेगी। पहले प्रीति बयान अपने घर में ही दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वारदात के कुछ पहलुओं को समझने उन्हें वानखेड़े स्टेडियम ले गई। देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में मुंबई पुलिस का अगला कदम क्या होता है। विकास मिश्रा, रसेश मंडानी के साथ आरिश चंद्रा, मुंबई आज तक। और आइए अब देखते हैं कि आखिर प्रीति ने पुलिस को क्या कुछ बताया है। प्रीति ने अपने बयान में ये कहा है कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ और इस बात के गवाह उनके गेस्ट मिस्टर जीन हैं। मिस्टर जीन फिलहाल यूएस में हैं। प्रीति ने बताया कि मिस्टर जीन ने झगड़े में बीच बचाव किया था। इसके अलावा प्रीति ने बताया कि झगड़ा 3 जगहों पर हुआ था। पहला झगड़ा पवेलियन के बाहर हुआ, इसके बाद दूसरी बार झगड़ा गरवारे एंड पर हुआ और तीसरा झगड़ा मैदान पर हुआ। तो ये 3 जगह जहां पर डिस्प्यूट हुई थी। तो पुलिस ने प्रीति से क्या पूछताछ की और आगे केस कैसे बढ़ेगा, इन सारे सवालों का जवाब मुंबई पुलिस के एडिशनल सीपी
कृष्ण प्रकाश से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मुनीश चंद्र पांडे ने। मैंने अपना बयान मुंबई पुलिस के सामने दर्ज करा दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कृष्ण प्रकाश जी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज क्या कुछ हुआ, क्या कुछ प्रीति जिंटा ने बयान में अपने कहा है? जी, आज लगभग 6:15 पर प्रीति जिंटा वानखेड़े स्टेडियम में आई और उन्होंने BCCI के ऑफिस में अपना जो अतिरिक्त जवाब था, बयान था, वो दर्ज करवाया। ये पुलिस की आवश्यकता थी क्योंकि उनका जो FIR था, जो प्राथमिकी थी, उसमें कई चीज़ों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी चाहिए थी। जैसे जो घटना स्थल थे तीन जो उन्होंने बताया था, उन तीनों स्थलों के बारे में सही जानकारी चाहिए थी हमें। दूसरी बात हमें चाहिए थी उन कंप्लेनेंट्स के बारे में, जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने जो साक्षीदार थे, जो गवाह थे, उन गवाहों के बारे में हमें जानकारी चाहिए थी क्योंकि अब तक हमें जो सीधे गवाह हैं, जो मतलब डायरेक्ट एविडेंस हैं, वो हमें अब तक केवल एक मिल पाए थे। तो इसलिए ऐसे गवाहों की ज़रूरत थी और कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें हम इंडिपेंडेंट विटनेस के रूप में देख सकते हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत थी। तो ऐसे लोगों के कुछ 12-14 नाम तो मिले हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ जो बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आगे की तफ्तीश जारी रहेगी। ग्राउंड का जो इलाका उन्होंने बताया है, उस इलाके के CCTV फुटेज अभी कलेक्ट किए जाएंगे और फिर आगे जो क्वेरीज है नॉन कंप्लेनेंट से वो तैयार किया जाएगा। सर, एक जो उन्होंने जब अपना कंप्लेन दिया हुआ था मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में, तो सबसे बड़ी बात सामने आई थी, उन्होंने आरोप लगाया हुआ था कि नेसवाड़िया ने फिजिकली उनके साथ में मिसबिहेव किया हुआ है। इसे लेकर आज जो बयान दिया प्रीति जिंटा ने, उसे लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? कोई ऐसा साक्षीदार आपको मिला हो जो कि इस बात की पुष्टि कर पाए कि उन्होंने फिजिकली मिसबिहेव किया था प्रीति जिंटा के साथ में? जी, आज हमारा एजेंडा ये नहीं था। हमारा एजेंडा था कि जो भी गवाह हैं, जिन्होंने भी जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके नाम जानना, और दूसरा कि जो भी स्थल थी घटना का जो प्लेस था, जो वारदात की जगह थी, तो उस जगह के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना, जीरो डाउन करना। तो ये दो बातें थी और इन दो बातों पर ही हमारा पूरा जोर था और इसके आधार पर अब जो CCTV फुटेज प्राप्त किया जाएगा वो देखा जाएगा आगे, जैसे पहले की CCTV फुटेज देखेंगे, और दूसरा गवाहों के बयान लिए जाएंगे। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपको जो कि हमारे मन में लगातार बना हुआ है कि नेसवाड़िया के खिलाफ में अब आगे किस तरह से कार्रवाई होने वाली है? क्या किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपका और नेसवाड़िया के लॉयर्स का या नेसवाड़िया से आप लोग का हुआ है अभी तक? जी, क्वेरी अभी हम तैयार कर रहे हैं। क्वेरी के लिए इसीलिए हम लोग अभी गवाहों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि क्वेरी तभी तैयार होगी जब गवाह मिल जाएंगे और फिर उन घटनाक्रमों के सूत्रों को जोड़कर जो नॉन कंप्लेनेंट हैं उनसे विचार किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इसमें एक मिस्टर जीन का नाम सामने आ रहा है, कुछ बता पाएंगे उनका क्या रोल रहा है, क्या कुछ उन्होंने उनके बारे में बताया? जी, उनके बारे में बताया होगा क्योंकि वो अगर वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने बताया होगा, लेकिन इसके बारे में मैंने सविस्तार जानकारी अभी IO से नहीं लिए, पेपर्स मैंने IO से नहीं लिए हैं, तो इस बारे में अगर किसी ने बताया है तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। बात नंबर बहुत शुक्रिया। ये थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कृष्ण प्रकाश। साफ तौर पे कह रहे थे कि उन्होंने प्रीति जिंटा का बयान दर्ज कर लिया है, बयान दर्ज किया गया है और आगे जो चश्मदीदों के और भी बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि आगे आने वाले समय में नेसवाड़िया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। कैंपाकोला कंपाउंड में BMC की कार्रवाई का आज दूसरा दिन था। BMC जैसे जैसे घरों के बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन को काटती जा रही है, कैंपाकोला निवासियों के चेहरे पर मायूसी भी बढ़ती जा रही है।
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के आश्वासन के बाद कैंपाकोला निवासी बीएमसी की कार्यवाही में रुकावट नहीं डाल रहे हैं। सत्तर साल के आलोक जैन और उनकी पत्नी ने कैंपाकोला के इस सी फेसिंग फ्लैट में पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मिड टाउन अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल पर रहने वाले जैन दंपति के लिए सी फेसिंग 3BHK तो छोड़िए, मुंबई में अब एक छोटा सा घर ले पाना भी मुश्किल है। बीएमसी ने इनके फ्लैट का पानी, बिजली और गैस का कनेक्शन काट दिया है, लिफ्ट चल नहीं रही है। इस उम्र में बिना लिफ्ट के बाहर से खाना पानी लाना मुश्किल है, लेकिन ये फ्लैट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से हमारे ऊपर एक गाज गिरी है, इतनी बड़ी तकलीफ गिरी है, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। आज बिजली, पानी, गैस काट दिए, तो आज इन तीनों के बिना आदमी रहेगा तो कैसे निर्वाह करेगा अपनी जिंदगी। 62 साल की मृणालिनी पोतदार खुद बीएमसी से रिटायर्ड अधिकारी हैं। बीएमसी ने इनके फ्लैट के भी सारे कनेक्शन काट दिए हैं। सोमवार की रात इन्होंने बिना बिजली के जागकर ही बिताई। इन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इन्हें हमेशा के लिए अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? घर होता तो ये घर छोड़ के चले जाते थे ना, इसी में कैसे गुजारा हो गए तो वो देख लेंगे हमें। मुख्यमंत्री ने इन्हें रविवार को आश्वासन दिया था कि इनकी परेशानी का कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी, जिस पर भरोसा करके इन्होंने बिजली पानी काटने की बीएमसी की कार्रवाई में बाधा नहीं डालने का फैसला किया है। अब इनकी निगाहें मुख्यमंत्री के अगले कदम पर हैं। कैंपाकोला के निवासियों ने आज बीएमसी को अंदर घुसने की परमिशन तो दे दी, लेकिन जिस समय बीएमसी उनके घरों के पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन को काट रही थी, उस समय उनके चेहरे पर घर छीनने का डर साफ दिख रहा था। हालांकि उनका कहना है कि सीएम के भरोसे पर उन्हें यकीन है और उम्मीद है कि उन्हें उनका घर जरूर वापस मिलेगा। कैमरामैन गणेश दुंदाले के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई आज तक।